बेपनाह प्यार के सामने टूट गई मजहब की दीवार, एक दूसरे के हो गए प्रेमी युगल। चंदा बीबी से चंदा कुमारी बनकर मंदिर में रचाई शादी, धर्म और मजहब की दीवार तोड़ मंदिर में लिए सात फेरे। भूख न जाने झूठा बात, नींद न जाने टूटी खाट, और प्यार न जाने जात कुजात। ये पंक्तियां जिसने भी कही हैं सची कही हैं, क्योंकि प्यार ही है ऐसा कि जिसमें धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती। ऐसा ही अजब प्रेम की गजब कहानी बेगूसराय में देखने को मिली है, जहां बेगूसराय में प्यार की जीत कराते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मंदिर में प्रेमी जोड़े की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई। दरअसल अल्पसंख्यक समुदाय की चंदा बीवी और हिंदू युवक राजीव कुमार के साथ 5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। देर रात प्रेमी राजीव कुमार जब अपनी प्रेमिका चंदा बीवी से मिलने उनके घर पहुंचा, तभी लड़की के घर वालों ने राजीव की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रेमिका चंदा बीवी ने जहर खा लिया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद ये मामला सुर्खियों में रहा। अब दोनों की प्यार को देखते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने देर रात बरौनी प्रखंड के बारो आर्य मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी। चंदा बीवी ने हिंदू धर्म कबूल करते हुए चंदा कुमारी बनी और राजीव कुमार से शादी कर काफी खुश हैं। राजीव कुमार ने कहा कि 2016 में मेले में ऑटो चलाने के दौरान चंदा से प्यार हुआ था, लेकिन 5 साल के बाद भी उसके घर वाले इससे नाराज थे और उससे मिलने के दौरान उसकी पिटाई कर दी थी। आज शादी हुआ है बजरंग दल से, शादी हुआ है मेरा और आर्य संपन्न से मंदिर से मेरा शादी हुआ है और हम दोनों बहुत खुश हैं। इसमें हमारा बजरंग दल बहुत सहायता किए, हमारा सहयोग भी किए और हम लोग का परिवार भी बना सही बजरंग दल से। हम दोनों बहुत अच्छे से शादी निभाया है, दोनों का सही से अच्छे सपोर्ट में भी शादी करवाया गया है, दोनों का बहुत हेल्प किया बजरंग दल हमारे, हम उनका सदा के लिए आभारी रहते हैं और ये हिंदू धर्म भी कबूल किए हैं। बहुत ही सब कुछ झेले, बहुत कष्ट झेले, जैसे वहाँ पे गए तो उस दिन मिला तो हमको बहुत मारा, इनको भी मारा, हमें भी इधर उधर बहुत दौड़ भड़ा करना पड़ा। मिले थे मार्केट में डी लाइन मेला में, ऑटो पे मिले थे हम दोनों, हम ऑटो चलाते दोनों, ऑटो में मिली थी तब, उस समय से चल रहा हम दोनों का किसी के दबाव नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से और सहयोग से शादी किए हैं, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी ने दबाव नहीं। आप शादी से खुश हैं? जी हाँ, खुश हैं। शादी में अहम भूमिका निभाने वाले बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक शुभम भारद्वाज ने कहा कि चंदा ने घर वापसी करते हुए राजीव कुमार से शादी की है, ऐसे में जिला प्रशासन को दोनों की सुरक्षा की गारंटी करने की मांग की है। भारतीय संस्कृति यानी कि जो हिंदू संस्कृति है, पूरे विश्व आज इस हिंदू संस्कृति को अपनाना चाहता है। इसी कड़ी में एक मुसलमान युवती जिसका नाम चंदा बीवी है, जो अभी अपने स्वेच्छा से अपना घर वापसी करते हुए अपना नाम चंदा कुमारी रखी है, आज वो अपने स्वेच्छा से, वो बालिग लड़की है, एक बालिग लड़का राजीव कुमार पासवान से आज उसने सनातन धर्म वैदिक धर्म के अनुसार आज उसने विवाह किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका हाथ खोल करके उसका हृदय से अभिनंदन करता है और समाज में ये संदेश देना चाहता है कि विश्व में शांति का प्रतीक, विश्व में सद्भाव का प्रतीक, विश्व में सर्व कल्याण का प्रतीक केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म ही है। तो आज इस बच्ची का यानी चंदा कुमारी का और राजीव कुमार पासवान का विवाह हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं और जो भी शक्तियाँ इसके पिताजी मतलब इसका भाई और इसकी माँ वगैरह जो इसके साथ मार पिटाई की, लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी, स्थानीय साहेपुर कमाल थाना के द्वारा भी जो दलित समुदाय का लड़का है, जो दलित हिंदू है राजीव पासवान, उसके ऊपर भी जो एट्रोसिटी किया गया, मारपीट किया गया, इसकी हम निंदा करते हैं और हम कमीशन से मांग करते हैं इसको न्याय दिया जाए। अभी जो इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बल पर शादी करना तुम दोनों चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर हम जानलेवा हमला करेंगे, तो पुलिस इसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, इसके साथ रहे। बजरंग दल लोगों के प्रयास से दोनों की शादी कराई गई, जिससे दोनों काफी खुश हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।